मेरा काम हुआ या नहीं? जी सर। अब कल मैं अपना काम करूंगा। पर ये जानते हैं ना इस काम में कितना खतरा है? अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अगर मैं खतरे की परवाह करूंगा तो न जाने कितने लोग खतरे में पड़ जाएंगे। किसी को साथ में ले लेना या फिर उसका भांडा फोड़ देना। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करूंगा। बस गोली मारी गई, एक ही गोली मारी गई और काफी नजदीक से। स्नाइपर गन का सवाल ही नहीं उठता है। एक बात बता, क्या हुआ था यहाँ पर? दरअसल आज सुबह सर ऑफिस देर से आए और फिर बॉस को क्या हो गया? हेलो का जवाब ही नहीं दिए। पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उससे कोई गलती तो नहीं हो गई? सर को क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? सर, 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 सब ठीक तो है? सर, सर, पता नहीं सर को क्या हो गया है? कहीं सर की तबीयत तो खराब नहीं? संजना, संजना, बॉस भड़के हुए हैं क्या? मैंने अभी उन्हें हेलो किया, उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं दिया और ऊपर आकर मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। हमें बॉस से बात करना चाहिए, शायद वो किसी प्रॉब्लम में हो। चलो देखते हैं। मनोज सर, आप ठीक तो हैं? सर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मनोज सर, आप ठीक तो हैं? गिरधर, स्पेयर की लेके जल्दी से। क्या अंदर वो अकेले ही थे या कोई और भी था? नहीं सर, कोई भी नहीं था उनके अलावा। अच्छा, गोली की आवाज तो सुनी होगी तुम लोगों ने? नहीं सर। अच्छा, बॉस की चीखने की आवाज सुनने के कितनी देर बाद तुम लोग अंदर गए? मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा। सर, क्या हुआ आपको? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे बोलिए सर। हाँ सर। मार डाला। सर बोलिए सर, किसने मार डाला? किसने? सर, सर, इतनी सारी दवाइयां मिली है ड्रॉअर में। सर सारी दवाइयाँ? ये तो दर्द की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स। सर, बॉस के पेट की सर्जरी हुई थी तो वो अक्सर ये दवाइयाँ खाया करते थे। है ना बड़ी अजीब बात, खूनी को ना किसी ने आते हुए देखा ना जाते हुए देखा। मनोज ने कहा कि उसे किसी ने मारा है, किसी ने गोली की आवाज तक नहीं सुनी, मगर मनोज को गोली तो लगी है। तो क्या गोली चलाने वाला खूनी हवा में गायब हो गया और फिर माना कि चलो इसने आत्महत्या की है, तो फिर आसपास कोई गन भी तो मिलती? नहीं, ये तो खून ही है, खून है ये। लेकिन सर, खूनी कैबिन के अंदर आया कैसे होगा? ये भी तो हो सकता है कि मनोज के ऑफिस में आने से पहले ही यहाँ पे बैठा हो वो घात लगा के।
मांग लिया, तो फिर वो गायब कैसे हो गया? हैं? तो कहीं वो खिड़की के रास्ते तो नहीं आया वो, और खून करने के बाद निकल गया ऐसे? देखते हैं। ऑफिस छठी मंजिल पर है, छठी मंजिल से कूद कर जाना आसान नहीं है। एक हो सकता है कि ये जो पाइप्स लगे हुए हैं, शायद इन पाइप से चढ़कर ये ऊपर आया, खून किया और फिर पाइप से उतरकर गायब हो गया। लेकिन बस पाइप पर चढ़ के आना, गोली मारना और जल्दी से पाइप से उतर जाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, पर कोई एक्सपर्ट हो तो बुलाते किसी एक्सपर्ट को। सर, वॉशरूम में से ये कुछ पेपर के टुकड़े मिले हैं, ये फर्श पर पड़े हुए थे और ये कमोड में से। हमें ये कमोड में मिले, किसी ने बहाने की कोशिश की थी इन टुकड़ों को। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? शायद कोई पेपर बैग वगैरह। हाँ सर, मैंने बॉस के हाथ में सुबह सेम इसी कलर का पेपर बैग देखा था। हाँ सर, मैंने भी बॉस के हाथ में इस रंग का बैग देखा था, मगर उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता। अच्छा, और एक बात बता, मनोज जी कैसे थे? मेरा मतलब है, क्या हाल ही में उनके बर्ताव में कुछ बदलाव जैसा कुछ था? हाँ सर, कुछ दिनों से वो परेशान नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं सर, जिस आदमी को घर जाने का याद नहीं रहता था, दिन रात काम में लगे रहते थे, कुछ दिनों से वो काम बीच में छोड़कर कहीं चले जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे? ऐसा कभी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है सर, ये बैग में जो सामान था, कहीं उसकी वजह से तो मनोज का खून नहीं हुआ? हाँ सर, और खून करने के बाद खुली बैग में जो सामान था उसे अपने साथ ले गया होगा। फ्रेडी, अगर खूनी बैग के अंदर का सामान लेकर भाग गया तो फिर बैग को फाड़ कर टॉयलेट में फ्लश करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ तो था उस पेपर बैग में, कोई खास बात जो मनोज किसी के हाथ लगने नहीं देना चाहता था, कुछ तो था, और इसलिए उसने वो बैग फाड़ कर टॉयलेट में बहा दी। काम करो, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, अंदर से बाहर से अच्छी तरह से देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ सर जी, कुछ मिला? नहीं सर, गाड़ी में तो कुछ खास नहीं। जरा जीपीएस सिस्टम चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। बड़ी अजीब बात है सर, ये मनोज रहता था बांद्रा में, ऑफिस है अंधेरी में, और ये गाड़ी बांद्रा से जाती थी अंधेरी, और फिर अंधेरी से बोरीवली सुंदर नगर, जहाँ पे ना घर है ना ऑफिस। सर, शायद मनोज किसी काम से बोरीवली जाता होगा। रेडी, आजकल बहुत सारे काम फोन पर भी होते हैं, ये मनोज कुछ सब्जी खरीदने नहीं जाता था बोरीवली? नहीं 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 नहीं, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, सुंदर नगर जाके पता लगाना पड़ेगा। पिछले एक दो महीनों से ये मनोज वहां किस लिए जाता था? भाई साहब, आप यहीं आसपास रहते हैं? देखिए, इन्हें कहीं देखा है? गौर से देखिए। भाई साहब, अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालिए, अपने सर को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अरे बीवी ने कहा है अनजान औरतों से बात मत करना। क्या करिए, आसपास तो मनोज के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। सचिन, आजकल हर आदमी अपने अपने काम से मतलब रखता है, किसी और के बारे में जानने की फुर्सत कहाँ उनके पास? क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर। ओह, मनोज आया तो था यहीं पर किस लिए?
इस दुकान में चल के पूछते हैं। आइए साहब, क्या सेवा करूं आपकी? इस आदमी को देखा है यहाँ पे? साहब यहाँ देखा तो जरूर है, मगर मैं नाम नहीं जानता। यहाँ पे क्या करने आता था? सर यहाँ नहीं, मेरा मतलब है सर, सर वहाँ, सर वो आदमी रोज वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके घंटों किसी का इंतजार किया करता था। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सर अगर ये मनोज यहाँ पे घंटों बैठ के किसी का इंतजार करता था तो जरूर किसी पे नजर रखता होगा। पर सर सामने तो कॉलेज है और मनोज की ना कोई फैमिली है ना कोई बच्चा, तो फिर वो यहाँ किस पर नजर रखता होगा? कॉलेज में चल के पूछते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। इस आदमी को देखा है यहाँ पे? नहीं नहीं सर। आप इस कॉलेज में पढ़ते हो? एक्सक्यूज मी, जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? हाँ सर, ये वही आदमी है जो हमारे क्लास में विवेक को परेशान करता रहता है। अच्छा, ये विवेक किस ईयर में पढ़ता है? हमारे क्लास का ही है, थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक। ओह, और ये विवेक है अभी कॉलेज में? वो आज कॉलेज में आया ही नहीं। अच्छा, ये बता सकते हो कि ये आदमी विवेक को क्यों परेशान करता था? पता नहीं सर, विवेक से कई बार पूछा पर वो साफ साफ नहीं बताता था। सर वो कल भी वो आदमी आया था यहाँ पर, बहुत बहस हुई थी उसके और विवेक के बीच में। हाँ, वो विवेक से वो आदमी बोल रहा था कि मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, पर विवेक उसको मना कर रहा था। विवेक बोला आप जाओ, मेरे पीछे मत आया करो। और सर जब हमने कहा कि हम प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर देंगे तब वो आदमी चला गया था यहाँ से। इस विवेक का फोन नंबर और एड्रेस मिल सकता है? आओ विवेक आओ, काम हुआ? हाँ काम तो हो गया। ये हुई ना बात, एक और काम है तुम्हारे लिए। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ये काम अब और नहीं करना है। बच्चू, इस धंधे में ना कहना भूल जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना की सजा सिर्फ मौत होती है। लेकिन लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इस दलदल से मैं निकल सकता हूँ ना? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम इस दलदल से आसानी से निकल सकते हो। चलो, तुम्हारी ये रोनी सूरत देखकर मैं चाह लेता हूँ। सच? तो मैं जाऊँ? हाँ। थैंक यू सो मच। लेकिन लेकिन इस पैकेट को उसे असली जगह पहुँचाने के बाद। क्या? लेकिन अभी तो आपने बोला था कि मैं जा सकता हूँ। देखो आखिरी बार है, देखो मैंने तुम्हारा कहना मान लिया तो मैं हमेशा के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, तुम भी मेरा कहना मान लो, आखिरी बार। पता नहीं आखिरी बार आएगा भी या नहीं, पिछले 2 महीने से आप मुझे कह रहे हो कि आप मुझे छोड़ दोगे, और ये आखिरी बार, मुझे नहीं लगता आखिरी बार आएगा। आएगा बच्चू, आखिरी बार आएगा। लो। तो मुझे धोखा दिया? सियाजू क्या बुलाया? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। पकड़ो से। ये तो भाग गया, मगर तू पकड़ा गया। देखिए मामले की तहकीकात चल रही है, खूनी बहुत जल्द जेल में जाएगा। या कुछ बताया इसने? नहीं सर, अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया उसने। क्या चक्कर है? हाँ भाई, किस सोच में डूबे हो? अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि हर मुजरिम जानता है कि उसका अंत बुरा होता है, फिर भी वो जुर्म करता है। वो इसलिए अभिजीत कि कोई भी इंसान अपना अंत नहीं जानता। मुजरिम बड़ी होशियारी से, बड़ी सफाई से अपना गुनाह करता है और सोचता है अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तकदीर तो उसका साथ देगी। ये तो है। अच्छा, वो मनोज के वॉशरूम से जो पेपर्स मिले थे उनसे कुछ पता चला? हाँ भाई, उस ब्राउन बैग के टुकड़ों में मुझे बहुत ही जहरीले और नशीले ड्रग के अंश मिले हैं, क्रिस्टल मेथ। ड्रग्स? सर इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ड्रग्स के धंधे से जुड़ा था? हो भी सकता है, मगर उसकी मौत से और इस ड्रग का संबंध जरूर है। उसने टॉयलेट में वो ड्रग बहाने की कोशिश जो की थी। सर हो सकता है ये आदमी भी ड्रग्स के बारे में कुछ जानता हो। पूछते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। देखो भाई सुखू, तुम कुछ बताना नहीं चाहते और हम सच सुने बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं, बोलो क्या करना है? सब मैं भी कसूर हूँ साहब, आप लोग क्या करें, मुझे
मुझे कुछ नहीं पता साहब। क्रिस्टल मेथ नाम के ड्रग्स की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं जानता हूँ तुम जुड़े हो इस ड्रग के धंधे से। नहीं नहीं साहब, सब मैं यह काम नहीं करता साहब। अरे एक काम करो, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मैं अकेले में इससे बात करता हूँ, ठीक है? और बाहर से दरवाजा बंद कर देना, तब तक मैं देखता हूँ क्या कहता है ये। मैं जरा स्ट्रेचर और एम्बुलेंस लेके आता हूँ। हाँ यार, ऐसे कैसे जाएगा ये, लेके आओ। हाँ बस बताता हूँ साहब, मैं सब सच बताता हूँ साहब। बता। साहब मैं तो छोटा मोटा फेरी वाला हूँ साहब, इधर उधर छुप छुपा के साहब ड्रग्स बेच लेता हूँ साहब, लेकिन वो विवेक जो भाग गया साहब, वो इस धंधे में बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। देखो झूठ बोलोगे तो और बुरा फंसो, एक कॉलेज जाने वाले लड़के से ऐसे लोगों का क्या संबंध हो सकता है? उसके चिकने चुपड़े चेहरे पर चाहिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये मनोज जो बिजनेसमैन मर गया है, उसका क्या संबंध था विवेक से? सब मुझे नहीं पता साहब, बस इतना जानता हूँ साहब कि विवेक उसको पसंद नहीं करता था। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे क्या संबंध था मनोज का और विवेक का। ये जो छह माले पे खुली हुई खिड़की है ना, तुम्हें इस पाइप से चढ़ना है ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से उस खिड़की को पकड़ के और अंदर जाना है। हथकड़ी पहने जाऊं क्या? ये क्या गेम शो है, मजाक चल रहा है इधर? हाँ वंश, इसका हथकड़ी खोल लो। अरे यार वंश, ये हम लोग इसको क्यों लेके आए? ये तो मैं भी आराम से चढ़ सकता हूँ। क्या साहब, इसके पहले आप भी मेरे धंधे में थे क्या? क्या बोला बे? क्या धंधा? दू क्या? जेल में डाल दूंगा अंदर। चुपचाप ये छठे माले पे चढ़ पाएगा कि नहीं बता? साहब, बारहवें माले पे चोरी कर रहा था तभी तो पुलिस ने पकड़ा। ये तो छठवां माला है, बाएं हाथ का काम। मगर सर क्या है ना साहब, वो जेल का खाना खाते खाते शरीर की चुस्ती दुरुस्ती खत्म हो गई, कमजोरी आ गई शरीर में। तो साहब थोड़ा सा प्रोटीन विटामिन वाला खाना मिल जाए, अच्छा सा बढ़िया सा खा लूँ तो ताकत आ जाए साहब, तो फिर मैं चढ़ जाता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। अच्छा खाना मिलेगा ना, वो उधर है ना, समोसा कचौड़ी वड़ा पाव मिसल पाव भी मिलेगा। जाओ जाओ वंश, ले आओ। साहब ये सब नहीं साहब, बटर नान, चार बटर रोटी, कढ़ी, पालक पनीर, मटर पनीर, हाँ पनीर टिक्का, पनीर भुर्जी, शाही पनीर, हाँ फ्राइड राइस भी है, और खीर सेवैया वाली। साहब बाद में ना एक सौंफ की पुड़िया भी ले आना पचाने के लिए। सर बाहर जाके मैं खाना लेके आऊं और आपके लिए पिलाऊं? वंश, हम लोग यहाँ पे दावत खाने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। डीसीपी चित्रोले का नाम सुना है तुमने? मैं उनका बहुत खास आदमी हूँ, ये बात किसी को बताना मत। और तू, ये क्या हम लोग ने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल के रखा है? हम लोग इधर वेटर है हा? शाही पनीर, शाही टिक्का, बटर नान, तू क्या बहुत बड़ा नवाब है? अबे चोर कहीं के दाल चावल खिलाऊंगा तुझे, वो भी काम खत्म होने के बाद। और ये प्रोटीन और विटामिन के लिए ना ये बिस्किट खा। साहब ये तो जेल में भी मिलता है, आप खाओ इसे, मैं चला। पर साहब अब क्या है? वो मेरी सजा माफ तो हो जाएगी ना? ऊपर बड़े साहब है, उनसे जाके मांगो। सर ये तो विवेक है, ये उन बच्चों में से एक है जिनकी पढ़ाई का खर्चा हमारी कंपनी उठाती है। अच्छा, और सर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मनोज सर को विवेक से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। देखिए जो पेपर बैग के टुकड़े हमें मिले थे वॉशरूम से, उसमें बहुत खतरनाक ड्रग्स थी। ड्रग्स थी उसमें? आप लोगों को कुछ पता है ये मनोज ड्रग्स का धंधा करता था? नहीं सर, हमारे बॉस ऐसे नहीं थे। सर अगर मनोज ऐसा काम नहीं करता था तो ड्रग्स का बैग उसके पास आया कहाँ? सर एक बात तो साफ हो गई है कि ये विवेक मनोज को अच्छी तरह से जानता था, और विवेक एक ड्रग पेडलर था। ये विवेक एक बार हाथ लग जाए तो ये गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। अभी आराम से यार, जल्दी मत करना। अरे यार फटाफट चढ़ गया, पक्का चोरी है। सर अबे चल ऊपर चढ़।
मेरी सजा कम करने वाली बात याद है ना सर? नीचे उतरो, चिकन टिक्का शाही पनीर सब रेडी है। सर खूनी इतनी ऊंचाई चढ़कर खिड़की से आया है तो अपनी जान तो दांव पे लगाई है उसने। इतना रिस्क लिया है तो वो ड्रग्स भी करोड़ों का ही होगा। ए, आराम से। लो साहब मैं आ गया। क्या बात है, वेरी गुड। अब जैसे ऊपर आए वैसे लौट जाओ। साहब मेरी जेल की सजा माफ तो हो जाएगी ना? तुम अभी जाओ, बाद में देखते हैं। जी साहब। साहब एक बार सोचना जरूर आप। हाँ चलो चलो। अरे यार बेचारे ने बहुत मेहनत की। ये चित्रोले सर से मैं जरा बात करता हूँ। आज से चोरी करना बंद। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये विवेक इस खिड़की से अंदर घुसा और यहाँ पे खून करने के बाद इसी खिड़की से वापस गया है तो ऑफिस में किसी ने उसे देखा कैसे? नहीं क्या सर, नीचे सिक्योरिटी भी थी और दिन का मामला था, फिर भी कैसे किसी ने नहीं देखा? सर हाँ? सर नीचे घास में एक गन मिली थी सर, लगता है खूनी से वहां पर फेंक के भाग गया। गुड जॉब पंकज, एक काम करो इसे फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा कि खूनी विवेक है या कोई और। नहीं विवेक खूनी नहीं हो सकता। देखिए वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन हमें बता सकती है विवेक कहाँ मिलेगा हमें? सर उसका एक दोस्त है अजय जो नकाड़ा चौल में रहता है, पहले विवेक और अजय दोनों हमारे यहाँ ऑर्फेनेज में ही थे, विवेक अक्सर उसे मिलने जाता रहता है। अच्छा नकाड़ा चौल, ठीक है थैंक यू वेरी मच सर। हाँ लेकिन कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार मनोज जी का वसीयतनामा चेक कर लीजिएगा। मनोज जी का वसीयतनामा? क्यों ऐसा क्या है उसमें, कहाँ है कहाँ ये वसीयतनामा? सर उनके ऑफिस के सेफ में। मनोज जी के ऑफिस के सेफ में? अजय दरवाजा खोलना यार, अजय 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 अभी अजय दरवाजा खोलना यार। प्रॉब्लम के टाइम पे ना हर कोई साथ छोड़ के चला जाता है, किस्मत दोस्त सब। अजय 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 किधर गया यार? अजय 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 ये सब क्या हो गया? अजय अजय उठा, अजय 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अजय अजय उठा यार, अजय अजय प्लीज उठा यार, अजय अजय ये सब किससे किया? अजय तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अजय दरवाजा खोलो, अजय सीआईडी से हम, दरवाजा खोलो। अजय
तुम दरवाजा खोल के बाहर आते हो या हम अंदर आ जाए? अजय, अजय, अजय सर, समर चुका है। एक दोस्त ने एक मुजरिम को घर पे रखने से मना कर दिया होगा, इसलिए दोस्त को मार डाला। हर बार भागने में किस्मत तेरा साथ देगी। सर, मेरे कुछ नहीं किया सर। तेरे हाथ और कपड़े खून से रंगे हुए और कहता है कुछ नहीं किया तूने। सर मेरे से नहीं मारा है सर। सर जैसे मैं वो घर के अंदर आया वो पहले से मरा हुआ था सर। सर मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर। तो देख के भाग क्यों रहा था? सर सर मैं वो डर गया था सर, इसीलिए सर। तो हमारे साथ ब्यूरो चल, अबे पूरी कहानी आराम से बैठ के सुनाना। ले चलो सर, तिजोरी खोल सकते हो? हाँ सर, आज तक ऐसी कोई तिजोरी नहीं बनी जिसे मैं ना खोल सकूं। अच्छा, बातें तो बड़ी करते हो, चलो दिखाओ। सर ये तिजोरी खुल तो जाएगी मगर खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, तिजोरी खराब हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर का सामान खराब नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर। होशियार है बंदा, लगता ये खोलेगा सेफ। ना टाइम और। ले लीजिए सर। देखा, शाबाश। चलो अब तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। हाँ जयवंती सर, देखो जरा तिजोरी में क्या है। वसीयतनामा, तो ये बात है। सर मैंने कोई खून नहीं किया है सर। सर मैं तो बेकस हूं। तो फिर तुम भागे क्यों अजय के घर से? सर मैं तो पहले से ही आप लोगों से बहुत डरा हुआ था सर। सर मुझे लगा कि कहीं मैं अजय के खून में ना फंस जाऊं सर, और वही हुआ। सर सर सालों के सर ने बताया जब अजय की लाश हमें मिली थी उसके 2 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। सर मैं 2 घंटे पहले तो उस कुक के साथ था सर। सर आपने भी तो देखा ना। मतलब ये अजय का खून ही नहीं? सर मैं तो आप लोगों को पहले से ही कह रहा हूँ सर कि मैंने अजय का खून नहीं किया सर। मुंह बंद रख अपना, जब जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना, समझा? अभी भी एक मर्डर में तुम सस्पेक्ट हो। मनोज के ऑफिस के नीचे जो गन मिली थी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी डॉक्टर साहब ने? सर सारंगे सर ने बताया कि रिपोर्ट प्रोसेसिंग में, जैसे ही कुछ पता चलता है वो हमें बताएंगे। ठीक है चल। एसीपी साहब ने ये फाइल देने के लिए मुझे बुलाया था सर। ये फाइल मनोज की सेफ में से मिली है। मनोज? क्या बात है वेक, हमें तुम्हें एक बात बतानी है। सर सर कहीं वो मनोज मरने के पहले कुछ ऐसा तो नहीं लिख गया जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं? हाँ वो सब कुछ लिख गया। क्या? यही कि उसकी सारी जायदाद अब तुम्हारी है। कहीं आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो सर? मजाक नहीं, ये हकीकत है। वो तुम्हारे पिताजी थे। पिताजी? हाँ, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर। और अपने वसीयत के साथ उन्होंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी लिख रखी है, जरा पढ़ो। मैं मनोज, विवेक का जैविक पिता,
लेकिन उसके पैदा होने से पहले मैं उसकी माँ से दूर हो गया। मुझे तो कुछ दिनों पहले तक ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई बेटा भी है। एक दिन ऑर्फनेज से एक मैट्रन आई माया, जिसने मेरी एक्स वाइफ की फोटो उठाई और बोली कि विवेक बचपन में जब ऑर्फनेज आया था तो उसके पास सिर्फ यही एक फोटो थी, उसकी माँ की फोटो, जो कि बिल्कुल मेरी एक्स वाइफ की तरह दिखती थी। मैं सब कुछ समझ गया। गरीबी में पले बड़े विवेक बुरी संगत में फंस गया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं विवेक को इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा। सर वो मनोज जी मुझे सर हमेशा कहते थे कि मैं इस ड्रग्स के दंगल से निकल जाऊं सर, सर लेकिन मैं उल्टा उनको ही रोज धमकी देता था सर कि वो मुझसे दूर रहे, मेरी ही गलती की वजह से सर, मेरी इतनी परवाह करने वाले पिताजी को सर मैंने खो दी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ओके थैंक यू सर। क्या कहा साहब मिल सकते? सर जो गन हमें मनोज जी के ऑफिस के बाहर मिली थी उसमें मनोज जी की उंगलियों का निशान है। क्या? हाँ सर, लेकिन मनोज जी का खून उस गन से नहीं हुआ है। क्या मतलब वो वेपन मर्डर वेपन नहीं? नहीं सर, एक और बात पता चली है। वो क्या? जो खून के ट्रेसेस उस गन पे थे वो खून मनोज जी का है। ये केस है या पहेली? जिस गन से मनोज जी का खून हुआ ही नहीं उस गन पे मनोज जी का खून लगा हुआ। अब समझ में आ रहा है कि मनोज के साथ क्या हुआ और कैसे। वंश, थोड़ी देर के बाद विवेक और माया इन दोनों को मनोज के ऑफिस में ले आओ। सर कैसे पता चलेगा कि मनोज के साथ हुआ क्या था? पता चल जाएगा पूर्वी। जो गन हमें मिली थी वो मनोज के ऑफिस के खिड़की के ठीक नीचे घास पे मिली थी और उस गन पे मनोज के उंगली का निशान थे और उस गन के ऊपर जो खून लगा हुआ था वो भी मनोज का ही था। मगर सर इससे साबित क्या होता है? जो मैं सोच रहा हूं अगर वो सही है पहले देखते हैं फिर बताता हूं। खून मैं ये ढूंढ रहा था, ये लाल रंग के कारपेट में खून का लाल रंग भी मिल गया इसलिए पता नहीं चला। मगर सर ये खून किसका हो सकता है? मनोज का। सर ये कैसे हो सकता है? मनोज का खून तो कैबिन में हुआ था। हाँ मैं बताता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस गन पे मिले मनोज का खून और लिफ्ट पे मिले खून से ये साबित होता है कि ऑफिस में पहुंचने से पहले मनोज को गोली लग चुकी थी और चूंकि पेट की सर्जरी के कारण वो बहुत सारे पेन किलर्स खा रहा था उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि छोटा मोटा घाव है और गोली छूकर निकल गई लेकिन गोली उसकी पसली में अटक गई थी। एग्जैक्टली। और उस वक्त उसे उसे चोट के अलावा एक और बात की जल्दी थी, ड्रग्स। उस ड्रग्स को ठिकाने लगाना। सर इसलिए उसने वो ड्रग्स का पैकेट टॉयलेट में फ्लश कर दिया। हाँ और उसके बाद उसे ख्याल आया गन का। उसने सोचा ये गन इसका क्या करूं, तो वो उस खिड़की पे गया और उसने गन को खींच के बाहर फेंका ताकि वो गन किसी के हाथ ना लगे। पर वो गन पंकज को मिल गई और जब वो गन फेंक रहा था उस वक्त उसके पसली में जो गोली अटकी थी उसने अपनी जगह बदल दी और उस जगह बदलने की वजह से उसके एओटा और आर्टरीज दोनों डैमेज हो गए जिसकी वजह से वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सर मेरी गलती है, मनोज जी ने गन मांगी थी पर मैंने ना चाहते हुए भी उनको दे दी। अगर मैंने उनको गन देने से मना कर दिया होता तो शायद आज मनोज जी जिंदा होते। मगर मनोज को क्यों चाहिए थी वो गन? सर उन्होंने कहा था कि उनकी गलतियों की वजह से विवेक ड्रग्स के गलत ट्रैक पे चला गया
और उन्हें उसे किसी भी हालत में उस दलदल से बाहर लाना है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। देखो विवेक, तुम्हारी जान बचाने के लिए मनोज जी ने अपनी जान गंवा दी, अब खूनी को पकड़ने में तुम हमारी मदद करो और जो कुछ भी इस ड्रग रैकेट के बारे में जानते हो सब कुछ हमें बताओ। सर मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, वो गिरोह कौन चला रहा है मुझे नहीं मालूम सर। कोई बात नहीं, हम उनका पता कर लेंगे। उनका ड्रग्स तुम्हारे पास था जो तुमने बर्बाद कर दिया, और तुमने वो ड्रग्स बर्बाद कर दिया है ये बात उनको पता नहीं है, तो अपना ड्रग्स लेने आएंगे जरूर। सर आपको लगता है वो लोग आने वाले? चारा डाला है, शिकार जरूर फंसेगा। आगे सर वो लोग। हाँ बोल। मैं वो कह रहा था कि मैं वो ड्रग्स वापस दे दूंगा, लेकिन मैं फिर से तुम लोगों के साथ काम नहीं करने वाला हूँ। सर उन्हें पकड़ ले। नहीं, अगर ये गुंडे अपने बॉस के वफादार निकले तो जान दे देंगे, मगर बॉस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। चल चल। ए, नहीं मुझे जाने दो। चल चल अंदर बैठ। चल ए, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। कहीं वो लोग विवेक को भी ना मार दे। नहीं, जब तक ये विवेक ड्रग्स की सच्चाई नहीं बताएगा तब तक उसे जान से तो नहीं मारेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विवेक को ज्यादा तकलीफ दे और वो सच्चाई उगल दे? सर सर उनकी वैन तो दिख नहीं रही है। विवेक पे जो ट्रैकर लगा था देखो कहाँ है। सर आगे से राइट बुरा है सर। राइट में तो कोई भी नहीं है सर, और आसपास कोई दिख नहीं रहा। ओह नो, उन बदमाशों को ट्रैकर के बारे में पता चल गया, इसे ट्रैकर निकाल के यहां पे फेंक दिया और विवेक को यहां से ले गए। ये ट्रैकर को फॉलो करते करते हम लोग यहां आ गए। सर विवेक मुश्किल में पड़ सकता है, उसे ढूंढेंगे कैसे? पांच गोडाउन दिखा चुका तू सुनसान, ये बोल के कि यही है यही है, अगर यहां नहीं मिला ना तो तुझे भी यही गाड़ देंगे। भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो तो दिख ही रहा है, जिंदगी भर मेहनत रहा और जब एक बाप मिला तो वो मिलने के पहले ही बिछड़ गया। ड्रग्स का है भाई, भाई कोई ये कोई ड्रम में है भाई। ढूंढो ढूंढो। कुछ मिला क्या? नहीं बॉस, सब जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब बहुत हो गया तेरा मजाक, हमें भी अपने बॉस को जवाब देना है। गोली मत चलाना, इसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है हमारा सामान। बॉस ड्रग्स यही कही है। देख लिया तुम लोगों को, अब मैं इस पिद्दी से छोकरे से खुद निपटूंगा। देख मैं तुझे यहाँ जान से नहीं मारूंगा, हम तुझे यहाँ बांध देंगे, और ये देख रहा है ना यहाँ जितने लोग हैं, एक एक करके तुझे 10-10 मिनट तक धोएंगे, और तब तक धोएंगे जब तक तू ये नहीं बताएगा कि ड्रग्स कहाँ है। हम तुझे मरने नहीं देंगे और तू जी पाएगा नहीं। बॉस मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई ड्रम या बॉक्सेस में है बॉस। अबे हमें उल्लू बना रहा है। ए, बात इसको बात दे, धोना शुरू कर। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, जो जहां पर है वही रहे। चलो तब इस तरफ
भाग के आज तक कोई हमारे हाथ से बच नहीं सका, तू कैसे बचेगा? तूने मनोज को मारा? हाँ, मेरा धंधा बंद करवाना चाहता था, क्या करता मैं, इसलिए मारना पड़ा उसको। अब तू जाएगा जेल खून करने और ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में कानून तुझे फांसी की सजा जरूर सुनाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।